हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में एक स्वीट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि है गुड़ की जलेबी यानी जैगरी एंड आटे से बनाई हुई ये स्वीट्स है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और देखने में बस लगती है कि कैसे बनी होगी। तो चलिए गाइस, इसको बताते हैं कि कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए बनाने के लिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, हेल्दी एंड टेस्टी गुड़ की जलेबी जो बनने जा रही है आज, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप आटा यानी कि व्हीट फ्लोर, मैदा नहीं लेना है और उसमें डालना है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल हम डाल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे 1 सैशे 1 पाउच इनो का डालेंगे। एंड यहाँ पे जैगरी का हमने सिरप बनाना है, चाशनी जो बनाएंगे जैगरी से बनाएंगे। फुल्ली हेल्दी जलेबी बनने वाली है, तो यहाँ पे हमने 2 पीस लिए हैं जैगरी के, तो इनका सिरप बनाएंगे। यहाँ पे बैटर बनाने के लिए हमने 2 कप पानी के अंदाज से ले रखा है, और जो जलेबी फ्राई होगी तो उसके लिए हमने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइज, अगर आप यूज़ करना चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइज, जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसका बैटर तैयार करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे हमने वक्त बचाने के लिए इसका सिरप रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 पीस जो जैगरी के लिए थे गुड़ के, उसको हमने 1.5 कप पानी में ये सिरप बना लिया। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देखिए सिरप जो है हमने तैयार कर लिया था और इसको छान लिया है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी डाला था, 2 पीस जो हमने गुड़ लिया था जैगरी, तो इस तरह का सिरप बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं बनाना है और बहुत इसको थिक भी नहीं करना है। तो जैसे गुलाब जामुन की सिरप होता है बस वैसे ही रखना है। तो चलिए अब बैटर तैयार कर लेते हैं जलेबी का। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल ले रखा है और इस पर आटा हमने लिया हुआ है, 1 कप आटा है। तो यहाँ पे हम आटा डाल देंगे क्योंकि हम आटे का बनाने जा रहे हैं जलेबी। तो अब इस पर हम ऐड करने वाले हैं 2 टेबल स्पून जो हमने ऑलिव ऑयल लिया था वो डाल देंगे। यहाँ घी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसमें यहाँ पे हमने 1 सैशे जो इनो लिया हुआ है इसको डाल देंगे। इसे पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको, इसका जो लम्स है उसको बिल्कुल भी नहीं रहने देना। थोड़ा पानी और मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर जो है रेडी हो गया है, तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। सो चलिए अब हम रखते हैं पैन में ऑयल गर्म होने के लिए। गाइस, यहाँ पे हमने पैन रख दिया है और उसमें हमने ऑयल डाला। तो यहाँ पे हमने कुकिंग ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया है, ऑलिव ऑयल जो हमारा कुकिंग ऑलिव ऑयल है। तो अभी हमने इसको जो है ले रखा है, सॉस वाली बॉटल होती है ना, बस इसमें हमने पहले भी बनाया था तो इसमें ही बनाएंगे। तो इसमें हमने ये बैटर डालना शुरू कर दिया है। पाइप इन बैग में भी बना सकते हैं जलेबी, और अगर इस तरह की बॉटल है तो उसमें भी बहुत इजीली बन जाता है। इसमें 1/2 बॉटल तक इसमें इसको पोर कर सकते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। गाइज, ऑयल जो है गर्म हो गया है तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया इजीली जो है हमारी जलेबियां बन रही हैं ना, सॉस की बॉटल से बहुत बढ़िया बन जाती है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं जिससे कि ये फ्राई हो जाएंगी। तो ये आटे की इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, मैदे की फटाफट फ्राई हो जाती है, बट हेल्दी तो यही वाली होती है। तो यहाँ पे हमने जो सिरप बनाया था उसको इधर ही रख लेते हैं, इसको डिप करना है ना जलेबी को फ्राई करने के बाद।
इसको पहले टर्न कर देंगे, इसे दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये हमारी जलेबी फ्राई हो गई है, इसको हमने इसमें डालते जाना है चाशनी में। और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। जैसे ही चाशनी को इसने थोड़ा थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेना है, बहुत देर तक चाशनी में नहीं छोड़ के रखना है इसे, नहीं तो ये सॉफ्ट होने लगेगी। बस इसको डिप करना है और निकाल लेना है। इसी तरह से और जलेबियां बना लेंगे। बस इसको फ्राई होने देते हैं, एक साइड फ्राई हो जाएगा तो दूसरी साइड भी टर्न कर देंगे, फ्राई हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने मैदे और शुगर वाली जो बनाई थी, तो शुगर का भी सिरप इस तरह तैयार कर लिया था और मैदे से बना लिया था। सारी चीज़ें ऐसे ही डाली थी मैंने, आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस जलेबी के साथ ही। तो बहुत ईजली बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी ऑयल या घी यूज़ करें वो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी जलेबी जो है बन रही है और ये जा रही है चाशनी में। चाशनी जो है एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल के ऐसे प्लेट में रख लेंगे। गाइस इस जलेबी का बनाने का एक टिप्स ये भी है, तो अगर आप जलेबी चाहते हैं क्रिस्पी बने, तो सिरप जो है चाहे वो शुगर का हो या गुड़ का हो, आपने उसको ठंडा रखना है, यानी सिरप को बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना है, तो क्रिस्पी जलेबी बनेगी बिल्कुल। सो ये है इसका सीक्रेट क्रिस्पी जलेबी बनाने का। गाइस सेकेंड टिप्स है कि जलेबी को जब फ्राई करें तो उसको एक तरफ फ्राई होने दे, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जब जलेबी फ्राई हो जाएगी तो थोड़ा हल्का सा भी टच करने से वो निकल जाएगी इस तरह से, और अगर आप पहले से ही जल्दी उसको पलटने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। सो मीडियम फ्लेम में रखना है एंड उसको एक साइड अच्छी तरह फ्राई हो जाने देना है, तो अच्छी तरह से वो फ्लिप हो जाएगा, टूटेगी नहीं। सो गाइज यहाँ पे देखिए हमारी जलेबी जो है बढ़िया सी रेडी हो गई है, हेल्दी एंड टेस्टी। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल नॉर्मल मीठा रखा है, जितना कि हमें चाहिए, घर में बनाने से ये फ़ायदा होता है। और ये देखिए हम इसको तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी क्रिस्पी है, तो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बनी हुई है। गाइज इसे ज़रूर बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगती है ये, जैसे वो मैदे में शुगर वाली जलेबी होती है, बट ये वो थोड़ी टेस्ट वाइज है, तो ये हेल्थ वाइज है, और दोनों ही जलेबियाँ अच्छी होती है अगर आप घर में बनाएंगे। सो आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।